His grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. उनके दादाजी ने बताया था कि एक वक्त ऐसा था, एक अरसा ऐसा था जब सारी की सारी कहानियाँ पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी. दे टर्न द पेजेस विच वेयर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन यू नो. एंड देन when they turned back on the page before it had the same words on it that it had had when they read it the first time. ab kya hua jab unko ek sachmuch ka waqai ka kitab mila to kitab mila ek aise zamane mein jahan par kitab naam ki cheez ko kisi ne dekha hi nahi tha. क्योंकि उस टाइम पे सारा चीज़ जो था एडवांस टेक्नोलॉजी का था. रोबोटिक टीचर्स थे, स्क्रीन मॉनिटर कंप्यूटर से बच्चे पढ़ रहे थे, वर्चुअल क्लासरूम था और टेक्स्ट जो थे सारे के सारे ई टेक्स्ट थे. अब उस ज़माने में जब किताब मिला तो उनको बिल्कुल अजूबा सा लग रहा, नया सा लग रहा. तो वो क्या कर रहे हैं, उसके पेज को पलट रहे हैं. जो पेज पलटने पर पता क्या चला कि वो पेज क्या था, पीला पड़ गया था. बुक पुराना होता है तो पेज पीला हो ही जाता है. उसके बाद बोलता है क्रिंकली. क्रिंकली का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ, विथ मेनी फोल्ड्स और लाइंस, मतलब पेज का मुड़ जाना. देखिएगा आप पेज के कॉर्नर पे जब बुक पुराना होता है तो पेज वगैरह मुड़ सा जाता है, वैसा पेज मुड़ सा गया था. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू. मतलब ये काफ़ी जो था ना मज़ेदार था, एकदम समझो फनी जैसा था शब्दों को वैसा पढ़ना. क्योंकि ज़माना एडवांस है, उस ज़माने में सारे टेक्स्ट ई टेक्स्ट होते हैं, सब स्क्रीन पे होते हैं और स्क्रीन वाला टेक्स्ट जो होता है वो मूव करता रहता है. और उन्होंने कभी स्टिल टेक्स्ट को नहीं पढ़ा था, रुके हुए शब्दों को उन्होंने नहीं पढ़ा था कभी. आज ये बुक में जो उन लोगों को मिला है उसमें सारे टेक्स्ट क्या हैं, सब के सब स्टिल हैं, रुके हुए हैं, थमे हुए हैं. तो ये उन बच्चों के लिए पहली बार ऐसे लफ्ज़ों को, शब्दों को, वर्ड्स को इस तरह से स्टिल थमा हुआ देखकर पढ़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, जैसा कि स्क्रीन पे टेक्स्ट वगैरह मूव करता रहता है. ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक to the page before it had the same words on it that it had had when they read it up it the first time. अब क्या बोलता है कि और उसके बाद जब उन लोगों ने पहले शुरू में पेज पढ़ा, उसके बाद पेज पलटते चले गए, पेज पलटते चले गए, उसके बाद वापस से जब उन्होंने फर्स्ट पेज पर वो लोग आए तो देखा कि जब पहली बार हमने वर्ड्स को पढ़ा था तो जो जो वर्ड्स जिस तरीके से जहाँ पर थे वो सारे के सारे वर्ड्स बिल्कुल उसी तरह से उसी जगह पर बने हुए हैं जैसा उन लोगों ने पहली बार पढ़ा था तब वैसा था. ये काफ़ी मज़ेदार था. ही सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I would not throw it away. Tommy जो है वो एक तरह का expression देता है कि बोलता है क्या वाहियात चीज़ है, जब तुम book पढ़ोगे, जब तुम्हें book पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब तुम बुक को, तो तुम इसे फेंक दोगे, ये वाहियात है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है. क्योंकि हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन होता है, जो हमारा स्क्रीन है, चाहे वो स्मार्टफोन का हो, आईपैड का हो, लैपटॉप का हो या फिर आपका पीसी का हो, जो भी स्क्रीन हो उस पे मिलियंस बुक्स उसमें स्टोर किए जा सकते हैं. क्योंकि पता है आपको स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड होता है और बहुत ज़्यादा बुक को स्टोर किया जा सकता है. और बात जब बुक्स की करें तो 10 बुक्स प्लस, अगर 15-20 बुक्स कैरी करना हो जाए एक बार में तो हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो वेटी हो जाता है, हेवी हो जाता है, उसको कैरी करना चैलेंजिंग हो जाएगा. लेकिन अगर एक मेमोरी कार्ड मेरे पास 28 GB का है, 64 GB का है, तो उसमें अंदाज़ा लगाओ कि
कितना बुक्स को हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। अब मान लो कि 64 GB का मेरा एक मेमोरी कार्ड था और उसको टोटल का टोटल हमने बुक्स डाउनलोड करके फुल कर दिया, तो क्या वो मेमोरी कार्ड का वेट बढ़ जाएगा? नहीं, मतलब वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है, आसान होता है, ठीक है ना। तो एक बार में एक कंप्यूटर स्क्रीन में बहुत सारे बुक्स को स्टोर किया जा सकता है और जिसको मैं फेंक नहीं सकता। सेम विथ माइन, सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। और मार्गी कहती है मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही वाक्य है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। और मार्गी जो थी वो 11 साल की थी और उसने अपने ज़िंदगी में उतने टेली बुक्स को नहीं देखा था जितना के टॉमी ने देखा था। क्यों? क्योंकि मार्गी की उम्र 11 साल थी और जो टॉमी है उसकी उम्र 13 इयर्स है। तो 13 इयर्स का टॉमी और 11 इयर्स की मार्गी, तो 2 साल उम्र ज़्यादा हो गया किसका? टॉमी का। तो ज़िंदगी ज़्यादा 2 साल देखी है किसने? टॉमी ने। तो टॉमी ने जाहिर सी बात है कि टेली बुक्स ज़्यादा देखा होगा। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेली बुक्स एंड टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक जो अभी हम जानते हैं, हमारा जो वर्ड्स होता है प्रिंटेड होता है पेपर पे, वो टेक्स्ट बुक होता है। और टेली बुक मतलब जो टेलीविज़न पे, टेलीविज़न स्क्रीन पे जो पढ़ते हैं जिस किताब को, वो टेली बुक्स हो जाता है। तो ज़माना फास्ट है, वहाँ पर कोई भी वर्ड्स पेपर पे प्रिंट नहीं था, सारा का सारा वर्ड्स कहाँ होता था? स्क्रीन पे। तो उस टाइम का जो किताब होगा उस बुक को कहेंगे टेली बुक्स। तो जितनी टेली बुक्स को टॉमी ने देखा है उतने टेली बुक्स को मार्गी ने नहीं देखा, क्योंकि मार्गी 11 साल और टॉमी 13 साल। आगे बढ़ते देखते हैं, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट? अब जो है मार्गी पूछती है, मार्गी जिसका नाम है वो पूछती है, वो कहती है कि तुम्हें यह कहाँ मिला? क्या वो बुक जो कि पुराना हो चुका था, जिसके पेजेस क्रिंकली हो गए थे, जिसमें सारे के सारे टेक्स्ट स्टिल थे, उसके बारे में ये पूछती है मार्गी कि आखिर ये तुम्हें कहाँ मिला था? तो जवाब मिलता है इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। उसके बाद जैसे ही सवाल किया गया मार्गी ने किया टॉमी से, तो उसको जवाब मिलता है कि मुझे मेरे घर में मिला। और वो बिना देखे हुए इशारा करता है, बताता है एटिक में, एटिक पे मुझे मिला, ये मुझे एटिक में मिला। और वो इस तरफ देखता नहीं है। क्यों नहीं देखता है? क्योंकि वो पढ़ाई करने में बिज़ी होता है, पढ़ाई करने में मगन होता है, जिस वजह से वो देख नहीं पाता है उस तरफ। और बिना देखे हुए इशारा करते हुए बताता है कि मुझे एटिक में मिला। एंड व्हाट इज़ एटिक स्टैंड्स फॉर? एटिक मीन्स स्पेस जस्ट बिफोर द रूफ यूज्ड एज स्टोर रूम, एक ऐसा जगह जो आपके छत के नीचे का होता है और आप उसको स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल में लाते हैं। ठेठ भाषा में कहें तो आपके छत के नीचे एक जगह जो होता है उसको कहते हैं मचान, मतलब मचान पे अलमीरा होता है ना, उसी तरीके से मचान भी होता है। तो उस पे क्या किया गया? उस पे रखा हुआ यह किताब था और टॉमी को उसके अपने घर के मचान पर यह किताब मिला। उसके बाद सवाल किया जाता है मार्गी की तरफ से कि व्हाट इज़ इट अबाउट? आखिर ये किताब जो तुम्हें मिली है, ये इस किताब में किस चीज़ की चर्चा है, किस चीज़ की बात की जा रही है इस किताब में? तो जवाब आता है स्कूल, मतलब जो बुक मिला है टॉमी को टॉमी के घर में उसके मचान पे, उस किताब में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, स्कूल की चर्चा है उस किताब में। अब आगे हम चलते हैं पैरा 3 की तरफ देखते हैं। पैरा 3 में क्या बोलता है? मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल। देखिएगा, स्कूल पे क्वेश्चन मार्क है, स्कूल मतलब मार्गी जो थी ना, इस बात को सुनकर टेंशन में आ गई, बोलती स्कूल है, स्कूल व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल? ऐसा क्या होता है स्कूल के बारे में भी लिखना होता है, स्कूल के बारे में भी लिखा जाता है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है, आई हेट स्कूल, स्कूल से यह नफरत करती है कौन? मार्गी।
और जैसा कि हमने आप लोगों से हमेशा कहा है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न, हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। आखिर स्कूल से इसे नफरत क्यों थी? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से स्कूल से नफरत था, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब इसको स्कूल से और भी ज़्यादा नफरत हो गई। क्यों जी? तो देखते हैं, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स अंटिल हर मदर हैड चेकन हर हेड सोरोफुल्ली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। इसको स्कूल से इतनी ज़्यादा नफरत इसलिए हो गई थी ना, क्योंकि वो जो मैकेनिकल टीचर, रोबोटिक टीचर था ना, वो उससे उसका बार बार ज्योग्राफी सेक्टर में टेस्ट लेता था और बार बार उसका जो है ना परफॉर्मेंस ख़राब होता चला जा रहा था। अब इसको जो क्या बार बार हम टेस्ट दें और टेस्ट में मेरा बार बार नंबर ख़राब आ जाए तो उस सब्जेक्ट में हमको मन नहीं लगेगा। अब यही सारा एक्टिविटी था जिसकी वजह से इसको स्कूल नाम की चीज़ से नफरत था। तब तक ऐसा होता रहता जब तक कि उसकी मम्मी उसके सर को उदासी से दा हिलाकर काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज ना दे। आगे क्या होता है, पैरा 4 हम देखेंगे। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डाइल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मतलब यहाँ तक क्या हो रहा है, मसला यहाँ तक का मसला ये है कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा गया वो कैसा था, वो एक छोटा सा गोल सा लाल शक्ल वाला था जिसमें एक टूल बॉक्स था, कुछ डायल्स थे, कुछ बटन्स थे और कुछ वायर्स थे। जैसे ही मार्गी आती है ना, वो जो होता है लिटिल राउंड मैन जैसा रेड फेस वाला लाल शक्ल वाला, वो मार्गी को देखकर मुस्कुराता है और उसको एक सेब देता है। अब जैसे ही सेब दिया तो मार्गी को पता नहीं सेब देना उसका पसंद आया कि नहीं आया। मार्गी थोड़ा सा गुस्सा हुई, उसने क्या किया, उस टीचर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े करने का मतलब, वो टीचर क्या था, मैकेनिकल था, तो उसके पार्ट पुर्जा को अलग अलग कर दिया। अब मार्गी ने उसके पार्ट पुर्जा को अलग अलग किया इस बात को सोचते हुए कि ये जो टीचर है शायद इसको ये बात पता नहीं है कि इसको फिर से कैसे जोड़ा जाता है। चिट्टी तो रोबोट देखा है ना आप लोगों ने, तो देखा उसमें अगर टूट फूट जाता है तो वो चिट्टी रोबोट एक तरह का मशीन है, वो खुद से अपने आप को जोड़ लेता है। तो यहाँ पे जो ये रोबोटिक टीचर मैकेनिकल टीचर है, तो मार्गी को ऐसा लगा कि हम इसके पार्ट पुर्जा को अलग कर देंगे तो इसको फिर से अपने आप को वापस जोड़ना नहीं आएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी, मार्गी को ऐसा लगा कि वो खुद को जोड़ नहीं सकता, लेकिन वो जोड़ सकता था। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर वॉज इट अगेन, देयर इट वॉज अगेन। लेकिन उसको पता था कि कैसे फिर से सबको वापस से जोड़ा जा सकता है, और ऐसा करने में बिल्कुल 1 घंटे लग गए और वो फिर से वापस आ गया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द lessons were shown and the questions were asked. अब क्या हुआ बच्चे, मसला ये हुआ कि वो फिर से तो वापस आ गया खुद से 1 घंटे में वापस जोड़कर बड़ा सा, और ब्लैक अगली मतलब उसको जो उसके पार्ट पुर्जा कल पुर्जा को जो अलग अलग किया गया होगा ना, तो वो काला हो गया, वो अगली हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, चढ़ाया गया होगा, जिस वजह से वो अगली हो गया बड़े से स्क्रीन के साथ, जहाँ पर सारे के सारे लेसन्स दिखते थे और जहाँ पर से सारे क्वेश्चन को पूछे जाते थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, ये उतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, वैसा हिस्सा जिससे मार्गी को नफरत था वो था आपके वो हिस्सा जहाँ पर आपके मार्गी जो है वाज मोस्ट स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। वो हिस्सा जिससे मार्गी को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, वो हिस्सा था जहाँ पर मार्गी को अपना होमवर्क रखना होता था और अपना टेस्ट पेपर रखना होता था, जिस वजह से उसको नफरत होती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 इयर्स ओल्ड।
एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और हुआ क्या, वो जिस हिस्से पे अपने टेस्ट पेपर को और अपने होमवर्क को रखती थी उस हिस्से से काफ़ी नफ़रत थी मार्गी को, और उसको हमेशा से सारी चीज़ों को पंच कोड में लिखना होता था जिसे उसने अपने 6 साल की उम्र में लिखना सीखा था। और जो मैकेनिकल टीचर था वो जो भी टेस्ट पेपर जो भी होमवर्क होता था उसको बिना वक्त लिए बहुत कम समय में कैलकुलेट कर दिया करता था, बहुत कम समय में, पूरा फास्ट एकदम।